नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। नहीं मिली इंसाफ तो सड़क पर आकर अपने आप को किया मौत के हवाले। बिहार और बंगाल के बीच कटिहार पुलिस चौकी बलरामपुर के किरोड़ा पंचायत बजरगांव के एक ताजा मामला सामने आया है, जहां नेशनल हाईवे पर पूरे परिवार सोकर न्याय पाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले कि एक गरीब मादलित परिवार जमीनी मामले में विपक्षी से परेशान होकर थाना और सीओ का कार्यालय के चक्कर लगाकर जब परेशान हो गए, उन्हें इंसाफ नहीं मिली, अंततः वह नेशनल हाईवे पर आकर पूरे परिवार सो गए और इसी बात पर अड़ गए कि हमें इंसाफ, शायद सड़क पर गुजरने वाले कोई पदाधिकारी का गाड़ी आया और दिलाने का प्रयास करेंगे। बताते चले कि ये पूरा मामला 22 और कटिहार के बीच बलरामपुर थाना किरोड़ा पंचायत का है, जहां नेशनल हाईवे 31 बजरगा गांव के एक परिवार आधा दर्जन लोग, बूढ़े, महिला और बच्चे ने सड़क पर सोकर न्याय के लिए प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय सेना का वाहन आने पर समझा बुझाकर शांत कर सड़क खाली कराया गया। वहीं इस पूरे मामले पर बात करने पर बलरामपुर प्रखंड प्रमुख मिन्हाज ने बताया कि बिहार सरकार ने बंदोबस्ती कर जमीन विपक्ष को दिया था, इसके पास जमीन के सभी आवश्यक कागजात है। चूंकि ये लोग जमीन को बेच दिया है, उन्हें बैठने के लिए रियायत दिया है, लेकिन अभी समस्या उत्पन्न हो रही है। दोनों पक्षों को बुलाकर मामले का निष्पादन के लिए कहा गया है। हम लोग को भगाने चाहता है, मारने चाहता है मेराज। मेराज पहले हम लोग का दादा का नाम से जमीन था, तो सरकारी जमीन है ना, वो जमीन हम लोग कब्जा के दूसरे से, जितना हम लोग अभी 15 साल से वहाँ कब्जा करके रह रहे, उस टाइम से कोई नहीं आया। अभी जब हम लोग कब्जा करके खा रहे 15 साल से, तो सब गा के हम लोग को भगा रहा है, मार रहा है। तो आप लोग यहाँ रोड पर क्यों सो गए हैं? कोई नहीं सुन रहा हम लोग का। थाना में जाइए। थाना की थाना भी नहीं सुन रहा है, बोलता है सीओ का आवेदन दो, वीडियो का आवेदन दो। कौन थाना ऐसा बोल रहा है? कौन थाना बोल रहा है ऐसा? बलरामपुर थाना। आपको क्या पता है अगर इस तरह से आप सड़क पर रहिए, आप पर भी एफआईआर हो सकता है? फायर होगा क्या करेंगे सर, हम लोग रहेंगे ना, हम लोग सुसाइड कर लेंगे, इससे बढ़िया रहेगा। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग एक ही घर है। कितने परिवार से आप लोग यहाँ आए हुए हैं? हम लोग 10 परिवार से हैं। 10 आदमी आए हुए हैं? सब हम लोग अपना। क्या मांग लेकर आए हुए हैं? मांग लेकर आए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ के रूप में क्या चाहिए आपको? इंसाफ के रूप में हमको चाहिए जो उन लोग से हम लोग का टेंशन फ्री कर दे। तो इस तरह से आप सड़क जाम नहीं कर सकते हैं ना? मैं नहीं सुन रहा था, हम लोग क्या करें, बस 2 महीना से हम लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। वीडियो सीओ अंचलाधिकारी नहीं सुन रहा, डीएम के पास जाइए। सीओ वीडियो आके यहाँ बोल के गया, कोई नहीं आना, जब तक 44 लग गया धारा उसमें भी आ रहा है, तब भी वो लगा के घर बना रहा है, अभी मारपीट करके सबको घर बना के बना लिया है। तो यहाँ रहने से आपका समाधान होगा आपको लग रहा है? होगा, देखा जाएगा कहाँ तक क्या हो रहा है। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। किसका इंतजार में यहाँ बैठे हैं? कौन आएगा तब आप लोग जाम हटाइएगा? कोई आएगा, हम लोग को डिसाइड कर देगा, हटाएगा। प्रशासन है, नेता है बड़ा बड़ा। घर पास मन है और राजुल, हम लोग का क्या बोलता है, वो भाड़ा पे सब पहनता है, हम लोग का जमीन में सब घर बनाया, अभी हम लोग किए हैं, अभी हम लोग किए हैं, तो हम लोग को सबको मारपीट को भगाया, तो इसलिए हम लोग सब रोड पे चले आए। रोड पाने से आपको लगता है आपका समाधान मिलेगा? आपको इसके लिए पुलिस के पास जाना चाहिए, इसके पुलिस अधिकारी के पास जाते तो पुलिस बोलता है जाओ, क्या बोलता है, मीडिया का पास जाओ, क्या बोलता है, सीएपी पास कर जाओ, ऐसे से बोलता है, कोई नहीं मानता है। प्रमुख के सामने में सबको मारा है, सब प्रमुख के सामने में मारा, मुखिया का पास आएगा तब बोलेगा घर बनाएंगे। क्या नाम है आपका? नंदनी कुमारी। कौन सा थाना में पढ़ते हैं? पढ़ाई छोड़ दी। थाना ये मेरा जो है ऋषि को लेके पूरा जमीन पर मेरा जो है कब्जा करके हमको मारता है, पीटता है, हम एक ही घर हैं, इसलिए हमको समूचा ऋषि को बुला के, इधर इस पार का ऋषि है, ये ऋषि को बुला के पूरा मारपीट कर रहा है। कहीं थाना में जाते हैं थाना एक्शन नहीं लेता, और कहीं जाते हैं कहीं एक्शन नहीं लेता है। जब आज रोड पर हम आए हैं तो आज हमको जो है नोटिस आया है। क्या नोटिस आया है? नोटिस आया है कि आप अपना पक्ष रखें। गए पक्ष रखने? नहीं, अभी दिया, अभी लाके दे रहा है। तो अभी आपको वहाँ जाके पक्ष रखना होगा ना, यहाँ बैठने से रखने से क्या होगा सर? जब समूचा जमीने मेरा कब्जा करिए लेगा तो हम क्या करेंगे सर? नहीं तो ऐसा देखिए, बाल बच्चा को सबको मार रहा है। अगर मान ले आप लोग रोड पर आए, आप लोग के ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा, तब आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, चले जाएंगे? यहाँ इतना नहीं मार खा गए, वहीं रहेंगे सरकार के अंदर। नोटिस का जवाब जाके दे सकते हैं? दे सकेंगे, अभी आके दिया सर, जब रोड पर जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक पासवान है। जगह बताइए कहाँ थे आप? सलेमपुर किरोड़ा पंचायत। किरोड़ा पंचायत किरोड़ा। थाना? थाना बलरामपुर जिला कटिहार।
कितने परिवार लोग आके आप लोग यहाँ सड़क पर जाम करने का? हम लोग अपना परिवार है, पांच सात आठ आदमी है। एक ही परिवार है? हाँ, एक ही परिवार है। परेशान किसके द्वारा किया जा रहा है आपको? मेहराजुल हक के द्वारा। वो कौन है? वो यहीं का जमींदार है। जमींदार जी। सब मुसल मिल गया, मेरा मन को नंगा कर दिया। क्या बात है, झगड़ा? बात से जमीन का, बात से झगड़ा हो रहा है। कितना जमीन? जमीन एक एकड़ जमीन है। कुछ जमीन हम लोग अपना कर्जा में लिए दूसरे आदमी से, वो छोड़ दिया, फिर दूसरा को आके हम लोग को भगाने, सब मुसल को भिड़ा दिया वो लोग मारने के लिए। रोड में सो गए? जमीन जमीन मेरा दादा का नाम से है, तो हम लोग को कब्जा कर लिए सब जमीन। अभी सब मुसल आके ऋषि आके हम लोग को भगा रहा है जमीन से। सब सब चीज लगा हुआ था, साग सब्जी सब लगा हुआ था।